आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ताकतवर ड्रिंक की रेसिपी बताने जा रही हूँ दोस्तों। आंखों की रोशनी कमजोर होने पर सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, चश्मा चढ़ जाता है, आंखों में थकान रहने लग जाती है, सिर दर्द करने लगता है। जब नजर तेज हो जाती है ना, तो अंदर से ऐसी खुशी मिलती है दोस्तों कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मतलब धुंधलेपन और अंधेरेपन से जो जूझ रहे थे उससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आंखों की रोशनी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये जो आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है ना दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर आजकल ज्यादा देखना पड़ता है, इससे आंखें जल्दी कमजोर हो जाती हैं। पूरी 8 घंटे नींद नहीं ले पाते हैं, उससे भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। हरी सब्जियां कम खाने में आती हैं, तो उससे भी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम। बादाम कई तरह की क्वालिटी का बाजार में मिलता है, सस्ता महंगा सब तरह का मिलता है। आपको जो भी क्वालिटी का मिले आप वो ले सकते हैं। कितने लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे ये 5 बादाम और इनको एक कटोरी में डाल लेंगे। अब इस कटोरी को हम पानी से भर लेंगे, क्योंकि हमें रात भर के लिए बादाम पानी में भीगने के लिए छोड़ देने हैं और फिर उनको काम में लेना है। तो ये देखिए, रात भर हमारे जो बादाम हैं ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं पानी में। इनका जो छिलका है, ये छिलका हमको उतार कर हटा देना है। छिले हुए बादाम ही हमें काम में लेने हैं। बादाम को जनरली पानी में भिगोकर छिलका उतारकर इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो बहुत देर से पचता है, तो ये छिलके हम हटा रहे हैं। अब ये जो छिले हुए बादाम है, इनको हम एक खरल या कुंडी में डाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब इनको दरदरा भी कूट सकते हैं, पेस्ट जैसा बनाना चाहे तो पेस्ट जैसा भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सारे बादाम कूट लिए हैं, तो इनको हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे और आगे काम में लेंगे। ये ड्रिंक बनाने के लिए एक जो चीज हम काम में लेंगे वो है ये काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च को पाउडर के रूप में सलाद वगैरह में डालकर हम सब कई बार खाते हैं। ये काली मिर्च आंखों की रोशनी तेज करने के लिए कमाल की चीज है। आज इस नुस्खे के लिए हम 4-5 साबुत काली मिर्च ले रहे हैं और ये जो काली मिर्च के दाने हैं इनको खरल में डालकर कूट रहे हैं, क्योंकि इनको कूटने से जो पाउडर बनता है उसमें काली मिर्च के पूरे गुण बने रहते हैं और ये हमको पूरा फायदा देता है। ये हमने काली मिर्च के दानों को कूट लिया है, इनको भी हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं, आगे ड्रिंक बनाने में काम में लेंगे। हमारी खास ड्रिंक तैयार करने के लिए एक चीज जो हम लेंगे वो है ये धागे वाली मिश्री। दोस्तों, बाजार में कटिंग वाली छोटे छोटे दानों वाली मिश्री भी मिलती है और ये धागे वाली मिश्री भी मिलती है। इनमें ये धागे वाली मिश्री ही बेस्ट होती है, इसलिए हम ये धागे वाली मिश्री ही काम में लेंगे। इसका क्या करेंगे, तो ये जो धागे वाली मिश्री है ना दोस्तों, इसको हम एक खरल या कुंडी में डालकर कूट लेंगे। कूटने से इसके गुण इसमें बने रहते हैं, खूब अच्छी तरह से कूट लेंगे, कूटने से इसका पाउडर बन जाएगा। ये देखिए, मिश्री का पाउडर बन गया है, तो मिश्री के इस पाउडर को हम एक कटोरी में अलग से निकाल लेंगे। तो अब ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन रख लेंगे और इस पैन में हम डालेंगे 1 गिलास दूध। गाय का दूध, भैंस का दूध, जो भी दूध आपको मिल जाए वो दूध आप ले सकते हैं। अब इस 1 गिलास दूध में हम डालेंगे कूट कर रखा हुआ बादाम, जिसे हमने रात भर भिगो कर रखा था और फिर कूट लिया था, वो पूरा इसमें डाल लेंगे। इसके साथ में जो काली मिर्च का पाउडर बनाया था वो भी हम इस दूध में डाल लेंगे। और ये जो मिश्री का पाउडर है ना, ये आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच मिश्री का पाउडर डाल लिया है। कई लोगों को डायबिटीज होती है तो फिर वो लोग मिश्री का यूज नहीं करें, बाकी दोनों चीजें ही डालें। अब इस दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबाल दिलाने के बाद धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि दूध में इन चीजों के सत आ जाएंगे। दूध में से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, मतलब ये तैयार है। तो अब आप गैस बंद कर दीजिए और ये जो दूध है इसको एक ग्लास में निकाल लीजिए। इसको भूल से भी छानना नहीं है, ऐसे के ऐसे ही ग्लास में निकाल लेना है। अब इसको लेना कब और कैसे है दोस्तों, आपको ये दूध रोजाना सुबह सुबह खाली पेट बनाकर पी लेना है। खाली पेट पीने से ये सबसे ज्यादा फायदा करता है। जो लोग सुबह नहीं पी सकते किसी भी वजह से, वो इसको रात को सोने के पहले बनाकर पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद ही इसे पिए। डेली आप इसे बनाकर पिए, 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी आंखों की रोशनी काफी बढ़ गई है, आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा और 2 से 3 महीने लगातार इसको पीने से चश्मा बिल्कुल ही हट जाता है। आंखों की रोशनी बिल्कुल पहले जैसी तेज हो जाती है। ऐसी जबरदस्त ड्रिंक है ये। मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।